हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जी हाँ, जानकारी इतनी अच्छी अच्छी देने वाला हूँ कि इस वीडियो को आप छोड़ के मत जाइएगा। और वीडियो में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ खास मैंने बताया है, ये आपको शायद वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। जी हाँ, वो कौन सी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको जिसके 1 मिलियन व्यूज़ है। जी हाँ, मात्र 4 दिनों में उस वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज़ लाए हैं। और उस वीडियो को मैं बता दूं कि वो वीडियो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल चलता है, बिग बिलियन डे सेल बोलते हैं या पता ना क्या क्या सेल चलाती हैं, उसकी सच्चाई को बड़ी बारीकी से सर ने निकाला है। उसकी सच्चाई को, जैसे मैं आज सुबह वीडियो देख रहा था तो अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आया जो कि 4 दिनों में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर रही है। तो मैंने सोचा कुछ खास होगा। उस पर लिखा हुआ था कि अमेजोन और बिग बिलियन डे और फ्लिपकार्ट का जो ये चल रहा है खेल, इसकी सच्चाई क्या है, मार्केटिंग लेवल पे इसकी सच्चाई क्या है। जैसा कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट कोई कंपनी नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। इस पर एक तरफ होते हो आप लोग जो खरीदते हो और दूसरी तरफ होता है हम जैसे सेलर। इन दोनों के बीच का एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म है ये मात्र अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और कुछ नहीं है। इनका कोई रोल नहीं है, इनका रोल बस है पार्सल को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, अपना कमीशन कमाना, अपना सेटअप तैयार करना। मेरी बात को समझ रहे होंगे। और मैंने जिन बातों को अपने वीडियो में, पिछले वीडियोज़ में चर्चा करता हूँ बार बार आप लोगों से, तो आप लोग ये सोचते हो कि भाई क्या बोलते हो, जो भी फ्रॉड होते हैं दुकानदार की तरफ से या मान लीजिए कस्टमर की तरफ से पुराना माल, जैसे मैंने बताया था ना, वो चीज़ों को, सारी चीज़ों को सर ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है अपने वीडियो में। और स्टोर आर्टिकल, सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा आपको जो बोलता रहता था, स्टोर आर्टिकल ये बोलता हूँ ना, इसका क्या मतलब होता है, इस वीडियो के अंदर में सर ने इतने अच्छे से समझाया है कि शायद एक बार अगर ये 20-25 मिनट की वीडियो है, अगर आप पूरा वीडियो देख लो तो मार्केटिंग लाइन में खरीदारी करने से पहले आप हमेशा सतर्क रहोगे और कभी धोखा नहीं खा सकते। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी है ये। देखिए, इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है इस वीडियो में और मैं पूरी तरह से 100% इनकी पूरी वीडियो से एग्री हूँ। उन्होंने एक बात कही है कि जैसे शोरूम कोई डालती है कंपनी, नाइकी ही हो चाहे एडिडास हो या कैंपस को ही ले लो, कोई भी कंपनी शोरूम डालती है तो शोरूम का लोकेशन देखा जाता है कि शोरूम कहाँ डालना चाहिए। किसी भी शहर के अच्छे से चौराहे पे शोरूम कंपनियाँ डालेंगी, वो इलाका इतना महंगा होगा वो चौराहा कि वहाँ रेंट पे दुकान अगर लेगा तो उसको 3-4 लाख 5 लाख रुपया पगड़ी देना पड़ेगा। उसके बाद मान लो कि 20,000 25,000 30,000, तो कम से कम हम लोग के एरिया की बात कर रहा हूँ, उसको किराया देना पड़ेगा। 4-5 बंदे हायर करेगा जो कि उस शोरूम को चलाएंगे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़। तो शोरूम पे ये प्रोडक्ट्स जो मैं बेचता हूँ आपको, ये प्रोडक्ट क्यों ना NMRP मिले बताइए। यही कारण होता है कि ये प्रोडक्ट्स NMRP मिलेंगे। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट जो सर ने जोड़ा है वीडियो में, मैं उसकी बात करता हूँ। वो ये चीज़ है कि शहर से दूर, तो जी हाँ, मैं शहर से थोड़ी सी बाहर मेरी शॉप पड़ती है और जो मेरा शॉप है, मैं इतना सस्ता स्टोर आर्टिकल आपको दे देता हूँ। कारण जानते हैं क्या होता है? कारण बस ये होता है कि मेरे खुद की ज़मीन है, खुद का ही रूम है, मुझे किसी बंदे को 1 रुपये नहीं देना है, ना ही किसी को बीच में कमीशन देना है। आप खरीदते हो और डायरेक्ट मैं बेचता हूँ, मैं 5% का काम करता हूँ फिर भी खुश रहता हूँ। आप खरीदते हो, मैं बेचता हूँ, सीधे कुरियर कराता हूँ इंडियन स्पीड पोस्ट से आपके घर तक। तो वीडियो जब आप देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्यों स्टोर पे NMRP महंगा पड़ता है, हमें ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, कैसे फ्रॉड होता है, ये प्रोडक्ट किस तरह के होते हैं, डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो जिम्मेदारी कोई लेता है कि नहीं लेता है, क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं। तो अंकित सर की ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। और मैंने देखा कि 4 दिनों में किसी वीडियो का 1 मिलियन व्यूज चले जाना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो बिग बिलियन डे शुरू हो रहा है और जो भाई खरीदारी करना चाहते हैं उससे पहले इनकी वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे खरीदारी करो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप अमेजोन से ही खरीदारी करो, आप फ्लिपकार्ट से ही खरीदारी करो,
मुझे कोई वो नहीं है। हमारे पास जो भी रहेगा स्टोर आर्टिकल्स रहेंगे, नए आर्टिकल्स मैं लाने की कोशिश करता हूँ, जो भी लॉन्चिंग के आर्टिकल्स होते हैं जो कि ऑन MRP स्टोर पर या हर जगह मिले, और उन्हें मैं आपको ऐसे रेट पर प्रोवाइड कराता हूँ जो कि एक दुकानदार आपको न दे पाए। और कारण जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरी खुद की सारी चीज़ें हैं, मैं डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदारी करता हूँ और डायरेक्ट आप तक पहुँचा देता हूँ, और इसके बीच में मेरा 5% का जो है धंधे का प्रॉफिट है वो है। मैं खोल के बोलता हूँ मैं 5% कमाता हूँ, उतना तो मेरा फ़र्ज बनता है यार, इतनी मेहनत करता हूँ तो 5% कमाऊँगा। अब 2000 का जूता है तो मान लो कि 100 रुपये कमाऊँगा, 1600 का जूता है 80 रुपये कमाऊँगा। अब 80 रुपये कमाई में मैं आपको सीधे बता देता हूँ, दिन भर में मान लो कि 10 जूते अगर मैंने ऑनलाइन चले जाते हैं तो 800 रुपये मुझे मिल गए। और जो स्टोर से जाएंगे तो स्टोर का रेट आप देखते ही हैं अलग है पूरी तरह से, 25% कैंपस पर देता हूँ, यानी कि जो आप लोग को देता हूँ ऐसे मैं उससे 10% कम मैं स्टोर पर देता हूँ, तो वहाँ 10% एक्स्ट्रा कमाई और हो जाती है मेरी। तो जूते अगर 5 जूते भी मिल गए यहाँ से तो मान के चलो कि 700-800 ऐसे हो जाते हैं और 800 रुपये वैसे हो जाते हैं, तो दोनों का मिलाकर 1000-1500 इजीली मेरा बन जाता है। इतना मेरे लिए बहुत है, मेरी खुद की ज़मीन है, खुद का कोई किराया देना नहीं है, 45-50 हज़ार महीने का बहुत है, और मैं खुश हूँ। और आप सबका प्यार यूं ही बना रहे, जिन्हें विश्वास है ट्रस्ट है वो ख़रीदारी करते हैं, भाई मंगाते हैं, मैं पार्सल यहाँ से भेजता रहता हूँ, जिन भाइयों को थोड़ी देरी हो जाती है तो उनका भी मैं ट्रैकिंग करता रहता हूँ, जवाब देता रहता हूँ कि नहीं आप घबराइए मत आपका पार्सल पहुँच जाएगा। कारण ये होता है कि देखिए पार्सल तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं लेकिन पहुँचने में कभी कभी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, इंडियन स्पीड पोस्ट की संडे पड़ गया या सैटरडे पड़ गया या कोई छुट्टी हो जाती है तो उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, एक दो दिन कभी कभी होता है, कभी कभी तो टाइम से पहले ही पहुँचा देते हैं। कुछ पार्सल ऐसे हैं जो कि मैंने एक्सेप्ट किया था कि 7-6 दिन पहुँचे वो 3 दिन में पहुँचा देते हैं, और कुछ होता है कि 7 दिन की जगह 8वें दिन भी लग जाता है, इससे अधिक नहीं लगता है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले कह दूँ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैंने लिंक दे रखा है, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ अंकित सर की, वो प्यारी सी वीडियो जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप वीडियो को एक बार जरूर देखें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप देखने के बाद बोलोगे कि हाँ यार ये कुछ कमाल की वीडियो है, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको नहीं मिली होगी जो सर ने दी है, तो एक बार उनकी वीडियो को जरूर देखें, और आगे उसके बाद क्या करना है क्या नहीं आप समझदार हो, खुद ही समझ सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगा, और चलने के साथ ही जय हिंद।